अपने जीवन में हर कोई हमेशा खुशियों की कामना करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये चाहता हो कि उसके जीवन में दुखों का आगमन हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, समस्याएं आ ही जाती हैं, जिसका कारण हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र होते हैं। जब भी कुंडली के ग्रहों में फेरबदल होता है तो हमारे जीवन पर इसका असर जरूर देखने को मिलता है। कभी ग्रह नक्षत्रों के फेरबदल हमारे जीवन के लिए सकारात्मक होते हैं तो कभी ये फेरबदल जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप हमेशा अपने ग्रहों को शांत रख सकते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में दुखों की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक संकट आते रहते हैं तो यहाँ आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उन्हें ज़रूर अपनाएं। आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे पहले हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की अनजानी अनहोनी से बचाती है। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलती है। हर मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर पर रखाएं। ऐसा आपको कम से कम 11 मंगलवार और शनिवार करना है। जानवरों को भोजन कराएं। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। नारियल का उतारा करें। पानीदार एक नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे बहते हुए पानी में बहा दें या देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ये उपाय मंगलवार या शनिवार के दिन आपके लिए उचित रहेगा करना। शमशान में सिक्के डालाएं। अगर किसी भी अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं। पीछे पलट कर ना देखें, उस उपाय से अचानक आई बाधाएं तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। मछलियों को दाना खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षर में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये राम नाम लिखें। फिर नाम को अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज पर लिखे राम पर लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों या फिर कछुओं को ये गोली खिला दें। प्रतिदिन खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर पंजीरी बनाकर भी आप खिला सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उपाय जो हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको रोजाना ही कर लेने चाहिए। प्रतिदिन कौवों या पक्षियों को दाना डालें, इससे आपके पितर शांत होते हैं। रोजाना चींटियों को दाना डालने से आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। रोजाना कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाने से जो अचानक आप पे संकट आने वाले होते हैं वो दूर होते हैं। रोजाना गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। अगर अपने जीवन से आप परेशानियों का अंत चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।